हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एक सब्सक्राइबर है विनोद कुमार, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी मेरी बाइक है लेकिन मुझे 40 से ऊपर का स्पीड अगर मैं चलाता हूँ तो मुझे डर लगता हूँ, क्योंकि वो 40 से ऊपर के डर भगाने के लिए क्या करना पड़ा। उन्होंने पूछा, कमेंट में पूछा है, 40 के ऊपर अगर बाइक चला लेते हैं, कुछ वादा नहीं, लेकिन 40 के ऊपर का अगर स्पीड ले लेते हैं तो इनको डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उन्होंने कमेंट में पूछा है, दो बार वो गिर चुके, फ्लाई ओवर चढ़ने के बाद उतरते समय उनको ज़्यादा से ज़्यादा डर लगता है, तो ऐसा क्यों? तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला डर होता है मानसिक बीमारी होती है, जैसे मैंने 3-4 वीडियो बनाया डर के बारे में, वो आप देख सकते हैं, है ना। तो इनका मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, है ना, क्या बात है। तो सबसे पहले आपको क्या मन में से जो बात को निकालना है कि डर लगने वाला, डर ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, आप जो सोचोगे वो पाओगे। तो डर को निकालना, आपको बाइक आती है चलाने, आपने बताया, लेकिन 40 के ऊपर अगर जाते हैं स्पीड में तो आपको डर लगता है। तो शुरुआत में आपने कहा है कि 17 साल से बाइक चला रहा हूँ, 17 साल से बाइक चला था, इसका मतलब आप मास्टर हो बाइक चला में, सबको आपको सब पता है, कैसे हैंडल पकड़ना है, कैसे क्लच को ऑपरेट करना है, क्या हिसाब से आपको थ्रोटल यानी रेस को ऑपरेट करना है, गियर कैसे चेंज करना है, आपको पता है, क्योंकि आपने कमेंट में पूछा है 17 साल से बाइक चला रहे हैं। तो ये बात नहीं, लेकिन छोटी छोटी बात जो आपको शायद पता नहीं है, इसके लिए आप गिरे, है ना, ये मतलब है। तो क्यों गिरे इसका मैं कारण बता रहा हूँ, है ना, क्यों गिरे सॉल्व करूँगा आपका प्रॉब्लम, लेकिन सबसे पहला क्यों गिरे ये प्रॉब्लम को आपको देखना पड़ेगा। ये देखने के बाद वैसे आप ना करें, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करें तो आप गिरोगे नहीं, अगर नहीं गिरोगे तो आपका डर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मेन बात फिर से एक लाइन में बात बता दूं, आप क्यों गिरे दो बार इसका मैं कारण बताना जा रहा हूँ, और वो दो कारण बताने के बाद आपको क्या करना है वो भी बताऊँगा, है ना। इसके बाद आप गिरोगे नहीं, जब आप गिरोगे ही नहीं तो आपका डर नहीं बैठेगा, वो डर वो निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप क्यों गिरे, ज़्यादा करके फ्लाईओवर के ऊपर तो आप चढ़ जाते फ्लाईओवर के ऊपर जाते समय आपको ज़्यादा करके कितना ऊंचाई स्लोप कैसा है उसका अनुसार, थोड़ा स्लोप रहेगा तो आप थर्ड तीसरा गियर में जाओगे फिर भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा स्लोप होगा तो आपको सेकंड गियर में जाना पड़ेगा, और ज़्यादा रहेगा तो फर्स्ट गियर में, वांदा नहीं। जैसे हम लोग घाट के ऊपर देखते हैं तो छोटी जो ट्रक टैंकर होता है पहला गियर में ही चलता है ना, वही एक्सेल वाला होता है, एक्सेल टूटना नहीं चाहिए, टूटेगा तो ज़्यादा एक्सीडेंट होगा, इसके लिए पहला गियर में चले जाते हैं, और जो वो जो ट्रैफिक का रूल होता है उसके अनुसार उनको चलना ही पड़ता है वैसा। लेकिन यानी कहने का मतलब ज़्यादा अगर ऊपर वाला चढ़ना है हमें तो पहला गियर जाना है, मामूली जाना है तो हम लोगों को क्या करना है सेकंड गियर चलता है, और थोड़ा मामूली है तो तीसरा गियर जाना सकते हैं, चौथा पाँचवा गियर नहीं जानेगा कभी भी ऊपर चढ़ाई करते समय। तो आप क्यों गिरा, आप गिरे हैं आपने बताया उतरते समय डर लगता, दो बार गिर गया, उतरते समय आपको क्या करना पड़ेगा इसको आपको देखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा स्पीड शुरुआत में चलाने की कोशिश नहीं करना, सीधा रोल है तो चला सकते हैं, लेकिन आगे अगर मोड़ होगा तो उतरते समय स्लोप डाउन करते समय आपको स्पीड में नहीं ही जाना है, क्योंकि आपको डर लगता है तो आपका एक्सीडेंट हो गया। आप क्या करते होगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर उतरते समय ज़्यादा स्पीड लिया बाइक तो आप क्या करते होगे, ये थ्रोटल है बंद करके, थ्रोटल बंद करते और जो रेस है इसको अपनी ओर खींच लेती, अपनी ओर खींच ले। फिर से सुनो, पहला आपका कारण मैं पकड़ लिया, आप क्या करते हैं थ्रोटल को बंद किया यानी रेस को बंद किया, क्योंकि नीचे बाइक उतर रही है, नीचे बाइक उतर रही है इसका मतलब स्पीड में है तो वो बाइक, भले से कोई भी गियर में हो चाहे न्यूट्रल में कोई भी ओवर में, आप क्या करते हैं इसको बंद करते, है ना, बंद तो करना ही चाहिए। उसके बाद आप क्या करते होगे, ये जो क्लच है इसको अपनी ओर खींचते हो, अपनी ओर खींचते तो इसमें गड़बड़ हो जाता है, कैसे करना अपनी ओर कब खींचना है उसका कुछ कारण है। अभी स्लोप डाउन उतरते समय आपका स्पीड ज़्यादा होगा तो इसको अपनी ओर खींचना नहीं है, इसको याद रखना, इसका वजह से गिर जाती है, क्योंकि खींचने की वजह से क्या होता है, जो गियर शाफ्ट होता है, गियर शाफ्ट और जो क्लच होता है ना क्लच प्लेट वाला, ये अलग अलग हो जाता है इंजन से, अलग अलग हो जाता है, इनका कुछ लेना देना नहीं होता है, जिससे क्या है इंजन चालू है लेकिन जो गियर है वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा होता है। आपने इसको खींचा है भले से वो जीरो पे बाइक काम कर रहा है, इंजन है वो जीरो के ऊपर काम कर रहा है क्लच खींचने की वजह से, लेकिन इसमें क्या एक्चुअली होता है आपका जो स्लोप डाउन हो रहा है तो इसमें बाइक स्पीड में ज़्यादा स्पीड में होगा तो आपका गलती हो रहा है परफॉर्मेंस के लिए, आपने ये तो छोड़ दिया है ना कम करने के लिए, इसको छोड़ दिया चलेगा, ये जीरो पे है इसको देने की जरूरत है इसका, लेकिन गलती कहाँ पर होती है, जब भी आप
स्पीड में अगर रोकना चाहता है कुछ भी करते स्पीड अगर कम करना है स्पीड में अगर होती है तो आपको क्लच को ओढ़ना नहीं है। पहली बात क्लच को ओढ़ना नहीं, वो गियर में ही रखना है, ओपन रखना है और धीरे से कोई भी ब्रेक मारो, कोई भी ब्रेक या ज़्यादा करके सावधानी के लिए दोनों ब्रेक एक साथ मारो लेकिन धीरे मारो, स्पीड में नहीं। धीरे ब्रेक मारने की वजह से क्या होएगा, अगर स्पीड में बाइक है कस के भी मारते आपकी बाइक तुरंत बंद नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी फोर्स के अनुसार और जो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स है उसके अनुसार आपका बाइक का बैलेंस बरकरार होता है, बाइक ऐसी गिरेगी नहीं, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली गिरती नहीं है, उसको कुछ तो कारण होता है। तो इसमें क्या होता रहेगा, जो स्पीड में बाइक आ गई अपने थ्रॉटल तो आपने बंद किया लेकिन ये जो क्लच है वो अपनी ओर खींचा इसका मतलब गियर काम नहीं कर रहा है, गियर को काम करना चाहिए स्पीड को कम करने के लिए। इंजन ब्रेक बोलते हो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जब भी आपकी बाइक स्पीड में होगी कोई भी व्हीकल, कोई भी कार हो, बस हो, कोई भी या बाइक, अपना चैनल बाइक के ऊपर, इसके लिए बाइक के चैनल के ऊपर मैं बाइक के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर बाइक उतरते समय या कोई भी रोड के ऊपर स्पीड में होगी, उतरते समय तो स्पीड में होगी, आपको डर लगता है आप गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि आप स्पीड कम करना चाहते हैं, क्योंकि स्पीड में बाइक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रॉटल तो बंद करना पड़ेगा, ये तो आप तो बंद करते हो गए, लेकिन जो क्लच है वो अपनी ओर खींच रहे, इसको नहीं करना है, ये गलत हो गया बात। क्लच अपनी ओर नहीं खींचना क्योंकि स्पीड में बाइक है, जो स्पीड में बाइक होगी तो क्लच को छोड़ देना है, यानी गियर में बाइक रखना है और धीरे से क्या करना है आपको दोनों भी ब्रेक कैसे प्रेस करना है, दोनों भी ब्रेक ज़्यादा प्रेस नहीं, ऐसा प्रेस करना है कि आपकी बाइक बंद नहीं होनी चाहिए, है ना, ये मतलब है बंद नहीं होनी चाहिए। फिर और बंद भी नहीं होगी, स्पीड में रहेगा तो तुरंत बंद नहीं होगी बाइक, भले से आपने ब्रेक प्रेस किया फिर भी, तो ब्रेक को प्रेस करना है, उसके बाद आपको क्लच को दबा के गियर डाउन वगैरह कर सकते। फिर से सुनो, तीन काम करो, इसको पहले छोड़ दो, जीरो पे लाया, क्लच को हाथ नहीं लगाने का, गियर में ही लगाने रहना है, उसके बाद आपको ब्रेकिंग करना है, ब्रेकिंग कैसे स्लो करना है क्योंकि आपकी बाइक स्पीड में नीचे डाउन आ रही है, ब्रेकिंग करना है, ब्रेकिंग करने का स्लो होने के बाद आपको क्लच को दबाना है ना, ये और गियर डाउन करना है, ऐसे करना पड़ेगा। और जब आपकी बाइक अगर स्लो होगी आप गिरोगे ना, ये कारण बताएं, अगर बाइक अगर स्लो होगी तो उस समय उल्टा काम करना पड़ता है, बाइक स्लो है आपको रुकना है या स्लो करना है, स्लो चलती है उस समय तो आपको इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो बंद करना ही पड़ेगा, उसके बाद स्लो रहेगी तो मैं कारण बताया, उसके बाद आपको एक क्लच को ओढ़ना है। पहला मैंने कारण बोला क्लच को नहीं ओढ़ना, वो स्पीड में होने के बाद, स्लो में होगी तो क्लच को ओढ़ना है और बाद में आपको ब्रेकिंग करना है, यानी उल्टा काम। स्पीड में होगी बाइक तो आपको सबसे पहले गियर को छोड़ देना है और ब्रेक करना है ना, यानी स्लो है इंजन ब्रेक बैठेगा, लेकिन स्लो में बाइक होगी तो आपको पहले क्लच को खींचना है बाद में ब्रेकिंग करना है, तो उल्टा है, स्लो में क्या करना है और स्पीड में क्या करना है ये बात तय होती है, इसके अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। तो आपकी गलती मैंने पकड़ लिया, आप क्या करते रहेंगे, इसको पकड़ते रहेंगे डर के मारे, है ना, रोकने के लिए इसको बंद किया और ब्रेक मारते रह गए। इसमें ब्रेकिंग मारने का भी सिस्टम अलग अलग होता है, आपको आगे का ब्रेक मारना है, पीछे का मारना है, दोनों मारना है, इंजन ब्रेक मारना है, इसके प्रैक्टिस होनी चाहिए। रेतीला सड़क है या डामर का सड़क है या कीचड़ वाला सड़क है, कैसे पत्थर वाला है, सीमेंट कंक्रीट का है, उसके अनुसार ब्रेक करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सिर्फ ब्रेक मार के फायदा नहीं। तो आप दो बार गिरे हैं उसका कारण है कस के आप ब्रेक मारते होंगे, ज़्यादा करके नीचे डाउन आते समय आपको क्या करना पड़ेगा, आगे का ब्रेक है उसको नहीं प्रेस करना है क्योंकि आगे के पावर में ज़्यादा ज़्यादा पावर होता है, पीछे के ब्रेक में कम पावर होता है। आपने अगर आगे का ब्रेक मारे होंगे इसके लिए जैसे मैंने पहला सिचुएशन बताया वो हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप अगर गलत करते डाउन में जा रहे और आपने थ्रॉटल को तो बंद किया है लेकिन जो क्लच है उसको भी अपनी ओर खींचा है तो 101% आप गिरोगे, स्पीड में अगर होगी तो ब्रेकिंग करें तो आप गिरोगे। तो ऐसे ना करें, जैसे मैंने फिर से आपको बताने की कोशिश करा, स्पीड में होगा तो इसको बंद करो, इसको कुछ नहीं हाथ नहीं लगाने का, छोड़ देना है, गियर में होना चाहिए भले से कोई भी गियर में, ब्रेकिंग करो बाद में इसको क्लच को अपनी ओर खींच के गियर को डाउन कर दो, आप गिरेगे नहीं, आप बैलेंस बराबर रखो, बैलेंस आएगा। आप 17 साल से ज़्यादा आपको पता होगा दोस्तों, छोटी बात है लेकिन बहुत जन ऐसे प्रकार के कमेंट करते हैं, इन्होंने पूछा धन्यवाद चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जन ऐसा देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, अगर कमेंट किया धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की छोटी मोटी बात मैं आप लोगों के वीडियो के माध्यम से लेके आते रहता हूँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।